तुलबा अस्सलाम वालेकुम। मुगलों से लड़ाई इस सबक के पिछले हिस्से में हमने शाइस्ता खान के हमले और सूरत के हमले के बारे में मालूमात हासिल की। इस सबक में हम जयसिंह के हमले के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जयसिंह का हमला। शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई सरगर्मियों को देखते हुए औरंगजेब ने अपने बहादुर और अहम राजपूत सरदार मिर्जा राजा जयसिंह को रवाना किया। मिर्जा राजे जयसिंह पूना पहुंचे और उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमतों को मुत्तहिद करने की कोशिश की। गोवा और वसई के पुर्तगाली, वेंगुर्ला के वलंदीजी, सूरत के अंग्रेज और जंजीरा के सिद्धियों के सामने उन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ बहरी बेड़े किए छेड़ने की तजवीज रखी। उन्होंने शिवाजी महाराज के किले फतेह करने का मंसूबा बनाया। स्वराज के मुख्तलिफ इलाकों में मुगल फौज को रवाना किया। उन्होंने स्वराज के इलाके को बड़ा नुकसान पहुंचाया। शिवाजी महाराज ने मुगलों से मुकाबला करने की कोशिश की। मिर्जा राजे जयसिंह और दिलेर खान ने पुरंदर के किले का मुहासरा कर लिया। पुरंदर मुहासरे के दौरान मीरार बाजी देशपांडे ने बहादुरी का मुजाहिरा किया, लेकिन उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। हालात की संगीनी को देखते हुए शिवाजी महाराज ने जयसिंह से बातचीत करने का फैसला किया। शिवाजी महाराज और मिर्जा राजे जयसिंह के दरमियान जून सन 1665 को एक मुआहदा तय करार पाया, जिसे पुरंदर का मुआहदा कहा जाता है। इस मुआहदे के मुताबिक शिवाजी महाराज को अपने 23 किले और सालाना 4 लाख आमदनी के इलाके दिए। उन्होंने आदिल शाह के खिलाफ मुगलों की मदद करने का यकीन भी दिलाया। शहंशाह औरंगजेब ने इसको मंजूरी दी। आगरा से रिहाई। पुरंदर के मुहासरे के बाद जयसिंह ने आदिल शाह के खिलाफ मुहिम शुरू की। शिवाजी महाराज ने इनकी मदद की, लेकिन ये मुहिम नाकाम रही। ऐसे वक्त में जयसिंह और शहंशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कुछ अरसे के लिए जुनूब की सियासत से दूर रखने का एक मंसूबा बनाया। इस ख्याल के तहत जयसिंह ने शिवाजी महाराज के सामने शहंशाह औरंगजेब से मुलाकात करने की तजवीज रखी। उन्होंने शिवाजी महाराज की हिफाजत की जमानत भी दी। तजवीज के मुताबिक शिवाजी महाराज शहंशाह से मुलाकात के लिए आगरा के लिए रवाना हुए। इनके साथ राजपुत्र संभाजी और कुछ काबिल एतमाद सरदार भी थे। महाराज आगरा पहुंचे, लेकिन शाही दरबार में शिवाजी महाराज को वो इज्जत नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद करते थे। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, जिसके बाद शहंशाह औरंगजेब ने इन्हें नजरबंद कर दिया। शिवाजी महाराज शहंशाह औरंगजेब के इस अमल से खौफ ज़दा ना होते हुए नजरबंदी से नजात हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो बड़ी चालाकी से आगरा से रिहाई हासिल करके कुछ दिनों बाद सलामती से महाराष्ट्र में पहुंच गए। आगरा से आते हुए उन्होंने संभाजी महाराज को मथुरा ठहरा दिया। उन्हें खैर व आफियत के साथ राजगढ़ पहुंचा दिया गया। सौराज से शिवाजी महाराज के दूरी के जमाने में जीजा माता और शिवाजी महाराज के मौनीन ने हुकूमत के कामकाज को संभाला।